Hello, my dear students. So now in this lesson, we are going to see energy. Okay, in the previous lectures, we have dealt with the work part. Now in this particular lecture, from this lecture, we are going to see the energy. Okay, so we know for performing any work, to do any work, we require energy. ओके किसी भी काम को करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, चाहे वो ह्यूमन बींग हो या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो, कोई मशीन हो. ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स एनर्जी टू परफॉर्म अ वर्क. ओके, और एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स भी हैं. सो एनर्जी एक्चुअली क्या है, हाउ इट इज डिफाइंड? इट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क. वॉट इज एनर्जी? इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी to perform work. Okay, so the SI unit of energy is joule. Okay, and the CGS unit is urge. Okay, we have studied about this in the previous lecture, joule and urge. So the units of energy and work is same. Okay, the units of energy and work is same. The SI unit of energy is joule and CGS unit is urge. Okay, so we know that energy is required for performing any work. So there are n types of work and there are n types of energies. Okay, so there are several types. For example, chemical energy is there. Okay, mechanical energy is there. Then biological energy, solar energy, wind energy, sound energy, okay, light energy. So there are n types of energy, heat energy. Okay, so there are several types of energy. Now in this particular chapter, we are going to deal with the two types of mechanical energy. What we are going to see? The types of mechanical energy. Okay, so mechanical energy is categorized into kinetic energy and potential energy. Okay, so the mechanical energy is further divided in kinetic energy and potential energy. So we are going to study these energies, kinetic and potential. So in this lecture, we are going to see what is kinetic energy. Okay, in brief. So, we have seen that whenever we ball a delivery, okay, and it strikes the stumps, you see there is some kind of motion in the stumps. Okay, जब हम लोग ball को release करते हैं और वो अगर stumps को strike करता है तो क्या होता है, आपको उस stumps में motion देखने मिलता है. मतलब क्या हुआ है कि जो ball का energy था, जो motion था, वो stump पे क्या हुआ है, transfer हुआ है. लेकिन यहाँ पे हमें यह समझना है कि बॉल में एनर्जी था और ये बॉल में एनर्जी कैसे डेवलप हुआ. डेवलप कैसे हुआ? उसके मोशन की वजह से. जितना फास्ट बॉल का मोशन होगा उतना ही फास्ट स्टंप का भी मोशन देखने मिलेगा या फिर आपको स्टंप उखड़े हुए देखने मिलेंगे. अगर आपने नॉर्मल लो स्पीड का आपने मोशन परफॉर्म किया है, बॉल को मोशन दिया है, तो जो स्टंप है वो जस्ट बेल्स गिरते हैं. ओके, और थोड़ा सा स्टंप क्या होगा, डिसलोकेट होगा. लेकिन जब मोशन में ज्यादा एनर्जी डेवलप होगी, ज्यादा स्पीड होगी, तो स्टंप क्या होता है, कंप्लीटली डिसलोकेट हो जाता है और गिर जाता है दूसरी तरफ. ओके, इसका मतलब क्या है कि बॉल में एनर्जी डेवलप हुई है. और ये एनर्जी क्यों डेवलप हुई है? ड्यू टू द मोशन ऑफ दैट बॉल. क्यों डेवलप हुई है? उस बॉल के मोशन की वजह से डेवलप हुई है. सो ऐसी एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट में डेवलप होती है ड्यू टू द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी. सो द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन. ऐसी एनर्जी जो ऑब्जेक्ट में है या ऑब्जेक्ट के पास है उसके मोशन की वजह से, उसे हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड एज के ई. Now, ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है,
मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, वो वर्क कर रहा है। अगर अपना आपने अपना पोजीशन चेंज किया है, डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म किया है और वहाँ पे फोर्स भी अप्लाइड हो रहा है उस मोशन को परफॉर्म करने के लिए, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, वर्क परफॉर्म किया है। इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो वर्क के बराबर होती है। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क बोथ आर इक्वल, सो के ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। ओके, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू। ओके, नाउ वी विल डिराइव द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ एम वी स्क्वेयर। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वेयर है, और वो हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। सो एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नाउ सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज एम, सो वी विल टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इक्वल टू एम, ओके, इज परफॉर्मिंग अ मोशन विथ वेलोसिटी वी, वेलोसिटी एज स्मॉल वी, ओके, इनिशियल वेलोसिटी विल बी u, and initial velocity is going to be zero. What it is going to be? It is going to be zero. किसी भी object का motion start करने से पहले जब वो शुरू करने वाला है motion, तभी उसकी initial velocity क्या होती है, zero होती है. Okay, so initial velocity मैंने zero ले लिया. Now a certain force is going to applied, अगर object motion perform कर रहा है तो force उसके ऊपर applied हुआ है और ऑब्जेक्ट ने एक सर्टन डिस्टेंस भी क्या किया होगा, कवर किया होगा, ओके, सम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हैज आल्सो टेकन प्लेस। नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ वर्क, दैट इज वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, हमें वर्क का फॉर्मूला मालूम है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ इन फर्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन वी हैव स्टडीड that force is nothing but mass into acceleration. From the second law of motion we have studied force is nothing but mass into acceleration, so F is equals to ma, and we have also seen from the third equation of motion S is equals to ut plus half at square, correct? Now, as initial velocity is zero for the object, initial velocity is zero, therefore S is equals to half at square. Okay, क्योंकि u is equals to zero है, तो zero into t क्या हो जाएगा, zero हो जाएगा plus half at square. So S is equals to क्या मिल गया मेरे को, half at square मिल गया. Now what I will do, I will put these values, F की value and S की value in the equation one. So what I will get, W is equals to ma into half at square. Okay, now a into a is going to be a square, so m into half a square t square, okay, which can be written as 1 upon 2m at square लिख सकते हैं हम लोग, a square t square मतलब a into t raise to square ले सकते हैं हम लोग, okay, raise to 2 ले सकते हैं, so at raise to 2, so we get w is equals to half m at raise to 2, okay, ये हमारा equation 2 हो गया। Now from second equation of motion, from second equation of motion, we know V is equals to U plus AT. V is equals to U plus AT. अब initial velocity क्या है हमारा, zero है. So V is equals to क्या मिल जाएगा हम लोग को, AT मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा, V is equals to AT. अब ये जो value है V is equals to AT, तो AT के जगह पे मैं V लिख सकता हूँ equation 2 में. AT के जगह पे मैं V लिख सकता हूँ equation 2 में. Therefore W is equals to half m v square. At की जगह पे मैंने क्या लिखा, v लिखा, so I get W is equals to half m v square. As we know that the work done is equal to the kinetic energy, work done is equal to the kinetic energy,
So we can write KE is equals to half mv square, and this is the formula of kinetic energy. KE is equals to half mv square. So this was the expression of kinetic energy. Okay, now your homework is going to be, you have to note down this expression from the textbook in your notebook. Okay, in the next lecture we will study about potential energy and we will see what is the transformation of energy in the next lecture. Until then, thank you.